सर मौजूद हैं आज थोड़ी सी क्लास टाइम पे स्टार्ट हुई है ये ना ज्यादा इंतजार करवाया है बस वो होता ही है शामी ऐसी हैं खामोशी इतनी है रात का ऐसा पहर है कि हमें लगता है कि हमारा एक एक मिनट इंतजार का ज्यादा लंबा ही होता जा रहा है बट डोंट वरी अबाउट इट सर इस हेयर जब तक सर ज्वाइन करते हैं एज यू नो कि सर की सिक्स टू नाइन क्लास होती है फिर दोबारा सर हम लोगों के पास सेम एनर्जी लेकर सेम टाइम बिल्कुल क्योंकि रात को दस से बारह क्लासेस हैं तो वो सारी अपनी एनर्जी लेकर विद नॉलेज बंडल ऑफ नॉलेज हम अपना जखीरा लेकर हमारे पास आते हैं तो हमें थोड़ा सा उनका भी देखना पड़ता है कि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाए तब तक जब तक सर आते हैं सर ज्वाइन करते हैं सर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप लोग मुझसे बातें कर सकते हो मीडिया टीम विदीन वाइल आप मुझे यूट्यूब का लिंक जनरेट कर दीजिए सो दैट आई कैन सर्कुलेट अमंग स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स तहसीलदार बैच में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले कर देती हूँ सो दैट देव नॉलेज अबाउट इट तो वो आराम से देख सकें कि हमारा बैच कब और कैसे स्टार्ट हो रहा है तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो तहसीलदार बैच के लिए इंटरेस्टेड एंड यू ऑल नो दैट तहसीलदार बैच जो है पीपीएससी के अंडर हो रहा है दिस इज द डे दैट इज ट्वेंटी अक्टूबर हमारा ट्वेंटी अक्टूबर को तहसीलदार का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम आपको तैयारी कराएंगे वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कराएंगे जो कि बेसिक क्राइटेरिया है जो भी उसके टेस्ट के रिक्वायरमेंट है वो सारी मेंशन है आप लोग पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर uh, जाकर देख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द टेस्ट क्या क्या सिलेबस है नोट डाउन कर लें ता ताकिमिनार मिस ना हो सेमिनार का ये फायदा होगा इधर यू आर गोइंग टू टेक द एडमिशन और नॉट लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा तैयारी कैसे करनी है कहाँ से करनी है कौन सा एरिया आपको स्ट्रॉग अपना रखना है कौन सा एरिया आपको स्ट्रॉन्ग नहीं रखना जिस जर्नल जर्नल ओवर व्यू देकर आगे तैयारी लेकर जाने बिकॉज वी है वेरी लिमिटेड टाइम फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन फिर हमें उसकी रिवीजन भी करनी होती है तो हम एक बाउंडेड एरिया और बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर रहकर ही तैयारी करते हैं ना वो जो स्टूडेंट्स हमारे नहीं दे वांट टू नो अबाउट द कैंपस एड्रेसेस तो मैं आपको वो शो कर देती हूँ टेक द स्क्रीन ऑफ दैट अदरवाइज ये वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर तो आप लोग देख भी सकते हैं

सलमकम सर एज ए यू सर हमारे साथ मौजूद हैं जस्ट वेट कर रही थी कि सर सामने आ जाए वालेकुम सर आपको मेरी आवाज आ रही है मुझे नहीं लगता सर को मेरी आवाज आ रही होगी कल भी नहीं आ रही थी सर तब तक सर अपनी वॉइस सेटिंग कर रहे हैं तब तक हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ क्या बातें की जा सकती हैं वालेकुम अस्सलाम करंट अफेयर्स की भी होगी डेफिनेटली होगी जी सर, सर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर जी सब लोगों को सर मुझे तो आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है मैं सर को चैट में बता देती हूँ ताकि आप लोग आराम से इजी होकर पढ़ सको अच्छा जी आज के कंटेंट्स जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में स्क्रीनिंग से रिलेटेड एवरेज का एक टॉपिक है जी इसमें से आते हैं सवाल एम काफ़ी सारे तो एवरेज करेंगे पहले बल्कि ये स्टेटिस्टिकल चीज़ें सारी कर लेते हैं इसके साथ एवरेज के साथ कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो लिख लें जी एवरेज एवरेज जिसका दूसरा नाम मीन भी है एवरेज जिसका दूसरा नाम मीन भी है बोर्ड uh, क्लियर नहीं है मैं इसको कर लेता हूँ मैं कर लेता सर तो सर के स्पीकर में कोई इशू है तो वो हमें आ, उनकी आवाज उनको हमारी आवाज नहीं जाएगी आप चैट में बताएंगे अभी क्लियर है Yes, है सर ओके okay. आपने कहा था ट्रायंगल और ज्योमेट्री स्टार्ट तो एवरेज जिस जिसका भी दूसरा नाम मीन भी है तो पहली बात हाँ। के इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना एवरेज का फिर इसके एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे सर आपको मेरी आवाज आ रही है पहले जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका एवरेज का फिर इसके एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं तो एवरेज के बारे में पहली बात यह है एवरेज के बारे में पहली बात यह कि ये जरूरत ही क्यों पड़ती है इसके लिए बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है आप सब ने की है ये मैट्रिक में आप एग्जामिनर को प्रैक्टिकल्स चेक कराते थे ना रीडिंग्स लेकर आप प्रैक्टिकल जब करते थे एग्जामिनर के पास रीडिंग लेकर जाते थे तो वो एक रीडिंग पे चेक नहीं करता था कहता था जाओ वापस तीन रीडिंग्स लेकर आओ तो आप फिर तीन रीडिंग्स लेते थे उनको जमा करते थे डिवाइडेड बाय थ्री करते थे तीन रीडिंग्स लेते थे उनको जमा करते थे डिवाइडेड बाय थ्री करते थे अच्छा ट्राइंगल्स रहती थी चलें ठीक है ये वाला कर लें ये एरिया कर लें तो फिर मैं ज्योमेट्री करा देता हूँ ज्योमेट्री रहती है आपकी ठीक है ट्राई ज्योमेट्रिकल शेप करा देता हूँ बाद में करा देता तो अभी फिर कर लें यही वाला एरिया ठीक है ये स्टेटिस्टिकल आप शुरू कर लिए ये ये भी कर ही है वैसे भी तो ये करके फिर में वगैरह करा देता हूँ राइट ओके जी तो मैं ये आपको बात ये बता रहा था के एवरेज की जरूरत क्या है वो एग्जाम्पल दी थी मैंने एग्जामिनर वाली कि आप एक रीडिंग लेकर जाए तो एग्जामिनर नहीं मानता था फिर आप तीन रीडिंग लेते थे उनको जमा करते थे डिवाइड करते थे तो वो आप क्या कह रहे थे ले तो आप एवरेज रहे थे एवरेज ले रहे थे जमा करते थे डिवाइड बाई थ्री करते थे सम करके डिवाइड बाई थ्री तो एग्जामिनर क्यों एवरेज निकलवा रहा था आपसे तो वो असल में एरर रिड्यूस करवाना चाहता था और तो उसका कोई मकसद नहीं था वरना आपको एक ही एक्सपेरिमेंट पे वो तीन तीन रीडिंग्स एक ही एक एक्सपेरिमेंट की क्यों रिपीट करवाता आपसे आपको इस तरद में डालने की क्या जरूरत थी एग्जामिनर को वो तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि एरर रिड्यूस हो जाए और ले वो आप एवरेज ही रहे थे तो इस इस मिसाल से आइडिया मिलता है हमें एवरेज एरर को रिड्यूस करती है मैंने नहीं कहा एरर को एलिमिनेट करती है ये एरर को रिड्यूस करती है और हमें हमेंसी के करीब ले जाती है एरर को रिड्यूस करती है और हमें एक्यूरेसी के करीब ले जाती है ये बात में कह रहा तो पहली बात एवरेज की जरूरत पे बात हुई है ठीक है इसकी जरूरत क्या थी दूसरा इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे फार्मूला इसके लिए यूज करते हैं इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फार्मूला हम ये यूज करेंगे एवरेज ऑफ समर्वेश्जर्वेश अब इसका मतलब भी समय नजर आ फॉर एग्जाम्पल देखें जी मैं आपको कह देता हूं लेट से टू सिक्स फोर ये वैल्यूज दी गई हैं तो आपको कहता है जी एवरेज ले लो आप ये करना एवरेज कह रहे हो एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू सिक्स फोर सम का मतलब प्लस है ना डिवाइड ये वाला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक दो तीन तो डिवाइड बाय थ्री टेन ट्वेल्व और डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू फोर फोर इज एवरेज इन दिस केस ये छोटा सा मैंने इसलिए बताए ये सवाल कि ये मीनिंग्स क्लियर होना शाम किस को कहते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको कहते हो वैसे इस तरह का आपके एक स्क्रीनिंग में आया हुआ भी है आ, हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करेंगे लेकिन स्क्रीनिंग में एक आया भी है सी एस एस ट्वेंटी टू की स्क्रीनिंग के लिए उसने कहा था फाइव फाइव और फाइव की एवरेज ले लो ये कहा हुआ था इसकी एवरेज ले लो ये बोला था उसने तो इसकी एवरेज क्या आएगी ये स्क्रीनिंग में से बता रहा हूँ तो का मतलब ऑप्शन ये था ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं स्टेटमेंट्स भी आती हैं तो स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट एवरेज का अप्लाई करना हमने सीखना है स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमने सीखना चाहिए तो लिख लें एम सी क्यूज नंबर वन करें एम सी क्यूज नंबर वन करें लेकिन जी स्टेटमेंट है कहते हैं मीन ऑफ फाइव नंबर इज ट्वेंटी एट मीन ऑफ फाइव नंबर इज ट्वेंटी एट मीन ऑफ फाइव नंबर्स इज ट्वेंटी एट इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड इफ वन ऑफ द नंबर वन Of the numbers is excluded, is excluded, then the mean gets the mean gets reduced by two, then the mean gets reduced by two. तो आपको कहता है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर ऑप्शन आपको दिए हैं ऑप्शन आपको दिए हैं थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट ये ऑप्शन आपको दिए गए चले अब जो ही उसने मीन कहा तो मीन तो हम समझते हैं ना सोल्यूशन में चले मीन तो हम समझते हैं मीन तो एवरेज का दूसरा नाम मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहता है मीन इज ट्वेंटी एट मीन इज गिवन टू यू ट्वेंटी एट मीन की जगह लिखा इक्वल अपनी जगह सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो रख लो ए बी सी डी ई और प्लस क्यों क्योंकि ना फॉर्मूला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव हैं तो, हो गया तो इसको आप लिख सकते हो प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ट्वेंटी एट मल्टीप्लाइड बीच में एक क्रास मल्टीप्लाई करते हो ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस टू e फाइव को ट्वेंटी एट के साथ मल्टीप्लाई कर लें वन फोर्टी से दिस इज इक्वेशन नंबर वन पहली लाइन का जो मतलब हमें समझ आया वो है सिर्फ एवरेज का कॉन्सेप्ट मीन का कॉन्सेप्ट सामने रखा खुद बोला था मीन दी हुई है ऑफ फाइव नंबर कोई से फाइव हमने रखे ए बी सी डी ठीक है फिर कहता है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय टू कहता है इनमें से एक नंबर रिड्यूस कर दें एक्सक्लूड कर दें तो मीन रिड्यूस हो जाती है बाय टू अब इसका ये मतलब है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड तो मीन इज रेड्यूस्ड बाय टू मीन इज रेड्यूस्ड बाय टू तो ये ट्वेंटी एट को टू से रेड्यूस करो ना ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू और एक नंबर एक्सक्लूड किया से इसको एक्सक्लूड किया बाकी उसी तरह लिख दो फिर तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे अब फोर क्योंकि चार नंबर है ना एक रेड्यूस हो गया

आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में पहली इंफॉर्मेशन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी तो यहां से ए निकल आएगा यूजिंग टू एन वन टू को वन में यूज करो इसी टू को वन में यूज करो तो मैं इधर लिख देता हूँ तो वन इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह तो लिखो ना वन जीरो फोर प्लस ई इज इक्वल टू वन फोर्टी तो ई निकल आया जी एक्सक्लूडेड नंबर तो ये इधर ऐड हो रहा है उधर जाके सब ट्रैक करो ठीक है so e 40, तो ई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा चालीस में से चार निकालने आपने तो थर्टी सिक्स हो जाएगा ई क्या है एक्सक्लूडेड नंबर था ना वो जो पांचवा हमने एक्सक्लूडेड एक्सक्लूड किया था थर्टी so सिक्स का ऑप्शन है आपके पास ना ये ऑप्शन बी ठीक है सिर्फ क्या किए हमने वो कॉन्सेप्ट मीन का सामने रखा है बस जो उसने कहा हमने वही किए जो उसने कहा हमने वही किए जल्दी से लिख लो जी क्विक जी उसने बोला था जी मीन फाइव इज़ मीन उसने जो ही बोला हमने तो, तो, तो नहीं पता तो ए बी सी डी ई रख लिए थे हमने पांच तो ए, मीन की जगह लिखा ट्वेंटी टू फार्मूले में पुट कर रहे ना मैंने फॉर्मूला अभी इरेज कर दिए पहले लिखा हुआ था ना

को टू से रिड्यूस करो तो ट्वेंटी सिक्स बनेगा ना, 26. तो वो लिख था फिर तो अब चूंकि एक नंबर रिड्यूस किया है ना पांच में से तो तो प्लस 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 तो की जगह लिखा किया जवाब अब हमें कह रहा था ई e फाइंड करो एक्सक्लूडेड वो जो पांचवा निकाला था नंबर तो ये ये हमने में पुट कर दिए क्वेश्चन की जगह ये वैल्यू आ गई है 104. तो प्लस ई e अपनी जगह वन फोर्टी अपनी जगह तो यहां से ई को सेपरेट कर लिया 140 फोर्टी एड हो रहा था दूसरी तरफ जाके सब्रैक्ट करे वन फोर्टी उधर ही देखा तो 104 जीरो एड हो रहा था दूसरी तरफ जाके सब्रैक्ट करे ठीक है जी एक और लिखे एक और स्टेटमेंट लेते हैं जी एक और स्टेटमेंट लेते हैं एवरेज पर ये एक और स्टेटमेंट लो एक और एमसीक्यू लिखें एक स्टेटमेंट है कहते है जी एवरेज हाइट्स ऑफ थर्टी बॉयज एवरेज हाइट ऑफ थर्टी बॉयज एवरेज हाइट ऑफ थर्टी बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी वाज कैलकुलेटेड टू बी वन वन फिफ्टी सेंटीमीटर वन फिफ्टी सेंटीमीटर फिर कहते इट केम टू नो लेटर दैट वन वैल्यू इट केम टू नो लेटर केम टू नो लेटर दैट वन वैल्यू वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर वाज़ रांगली कापी डैज रंगली कापी डैज वन थर्टी फाइव सेंटीमीटर फाइंड द करेक्ट मीन फाइंड द करेक्ट मीन ये आपको कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑप्शंस आपको दिए वन फिफ्टी वन सेंटीमीटर वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर चैलेंज. जो ही उसने बोला है आपको एवरेज तो एवरेज हम समझते हैं एवरेज तो एवरेज तो ऊपर तो, उसने बोल लिया एवरेज और मीन ना कुछ एवरेज लिखती है फिर मीन लिख दिया एक ही बात है ना एवरेज और मीन तो जो ही एवरेज बोला है तो पहला काम तो ये करे ना फार्मूला जेहन में हमारे

थ्री को फोर्टी फिफ्टीन से मल्टीप्लाई किया फोर्टी फाइव और दो जीरो फोर्टी फाइव हंड्रेड आगे सवाल पढ़ो जी यहाँ तक समझ गए हो जितनी बात उसने कही थी हमने सिर्फ अमूले में पुट कर दी कहता है फिर बाद में पता चला कि एक गलती हुई है कि वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर ये लिखा जाना चाहिए था लिखा गया वन थर्टी फाइव सेंटीमीटर गलती से कहता है ये गलती हुई है इस गलती को निकाल के कोेक्ट मीन निकालो फिर मीन पूछ रहे हो तो हम जानते हैं ना मीन क्या होती है

उसने कहा जी एक वैल्यू 135 सेंटीमीटर लिखी गई लिखी जानी चाहिए थी 165 तो ये जो गलती हुई है ये निकालो निकालने है क्या मतलब है सब करो तो 135 को सब करो ये गलती निकालनी है ना उसने कहा वन वैल्यू वाज रांगली का तो वो गलती निकालनी है तो गलती निकालो जी क्या गलती थी वन और उसकी जगह लिखना क्या था वो उसने कहा है कि 165 लिखना था उसको ऐड करना था गलती ये हुई जो गलती है उसको निकालो निकालने का मतलब सब ट्रैक करो तो उसकी जगह जमा क्या करना है वो खुद बताया ना वन सिक्सटी फाइव जमा तो बस जी फोर्टी फाइव हंड्रेड ये क्या हो जाएगा थर्टी प्लस का थर्टी क्योंकि बड़ी रकम वन सिक्सटी फाइव है उसके साथ प्लस साइन तो डिवाइडेड बाय थर्टी तो ये क्या आया फोर्टी फाइव थर्टी डिवाइडेड बाय थर्टी ये गया इसके साथ तो काट लो एक और इधर एक पंद्रह हो जाएगा फाइव वन फिफ्टी वन सेंटीमीटर ऐसा ऑप्शन था ना ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए तो एवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया सिर्फ फॉर्मूला सामने रखते हैं बस उसके ऊपर जो वो कहता जाता है हम वही करते जाते हैं ठीक हो गया जी नेक्स्ट लिखो जी यानी स्टेटमेंट्स दे तब भी और डायरेक्ट वैल्यूज दे दे तो तब भी एवरेज आपको आए सम करना होता है उन सब का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे ठीक है क्योंकि दोनों चीजें आ चुकी हैं डायरेक्ट वैल्यूज भी देता है और स्टेटमेंट भी देता है स्क्रीनिंग डिस्क्रिप्टिव में तो सिर्फ स्टेटमेंट्स आती हैं ना हमें जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है

और इसके साथ ही ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ये भी बता देते हैं रेंज वगैरह ये क्या है? रेंज मॉड ये भी लिख लो ले। रेंज इसमें से भी आया हुआ जी आपको एमसीक्यू रेंज लिख लें जरा रेंज किसको कहते हैं रेंज इट इज द डिफरेंस ऑफ इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एन दिवन रेशू इन गिवन वैल्यूज येल्यूज लिख डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन वैल्यूज वैल्यूज आपको कोई भी दी गई हो ना मसलन देखो ना मैं ये मिसाल देता हूँ टू है फोर है सिक्स है एट है टेन है ये देखें ना वैल्यूज में मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है तो रेंज आप निकालें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिफरेंस मीन माइनस ना तो टेन माइनस टू करो ना एट एट आपकी रेंज आ जाएगी एट आपकी रेंज आ जाएगी इसमें से भी एक एम आया था जी आप चेक कर लें इसमें से कि बी एम सी क्यू आया हुआ है स्क्रीनिंग में रेंज में से ठीक है तो ये रेंज का ये मतलब होता है कि जो वैल्यूज दी गई हो ना बस डेफिनेशन लगाओ ना रेंज की कि रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम ठीक है इन डेफिनेशन हमने ये लगाई है ना रेंज आर से ज़ाहिर कर दो ना रेंज इज ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ठीक है जी तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आया था ना वो कहीं ऐसा था कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी कि रेंज आपको दी हुई थी और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी दी हुई थी और आपसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो क्या आएगी रेंज दी हुई हो इसकी जगह वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी दी हुई ये इधर माइनस उधर जाके प्लस तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आई सिर्फ डेफिनेशन लगाई थी रेंज की तो रेंज इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस मीन माइनस जैसा कि ये मैंने मिसाल दी है ठीक हो गया जी इसी तरह आप लिख लें मार्ड का भी पता हो वो भी एक छोटी सी बात है स्टेटिस्टिकल तो वो भी पता हो जी मार्ड मार्ड क्या होता है तो डिफाइन करें इसको भी आप इट इज दोस्ट रिपीटेड वैल्यू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा इन द गिवन डेटा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन उसको हम आर्ड कहते थे उसको हम आर्ड कहते थे फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे आपको मैं कहीं ऐसे कह देता हूँ जी टू है फोर है सिक्स है एट है टेन है ये और फिर कह देता हूँ टेन है ट्वेल्व है ये डेटा कह देता हूँ? तो आप इसमें से मॉड निकालें तो क्या होगा मॉड इज टेन मोस्ट रिपीटेड को कह रहे हो ना इसी में एक और मिसाल मैं बोलूं टू फोर सिक्स सिक्स एट 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 टेन ये वैल्यू कोई दी हुई है कहता है मॉर्ड निकाल दो तो मोस्ट रिपीटेड सिक्स भी रिपीटेड है लेकिन मोस्ट रिपीटेड तो एट है तो मॉड क्या आ जाएगा इसमें एट मॉड इसमें क्या आ जाएगा एट ठीक है और इसी तरह इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कहता हूँ लेट्स से टू फोर फोर सिक्स सिक्स एट टेन अब फोर भी रिपीटेड सिक्स भी इक्वल रिपीटेशन हो तो फिर दोनों लिख देना फोर भी मॉड है सिक्स भी दोनों लिख देना जी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ठीक है जी तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं पूछे रेंज मॉड तो पता इसी तरह मीडियन एक और चीज भी लिख ली मीडियन उसका भी पता मीडियन मीडियन लिख लीजिए कॉन्सेप्ट मीडियन मीडियन को पहले जरा डिफाइन कर लेना इट्स अ स्टेटिस्टिकल टर्म अ अस्टेटिस्टिकल टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट

मीन तो एवरेज का दूसरा नाम है ना ऊपर हमने एमसीक्यू लिखे थे उसके जबकि जो मीडियन है मीडियन तो मेड से निकला हुआ है मीडियन तो मेड से निकला फॉर एग्जाम्पल कैसे मीडियम जब भी आए ना तो दो सिचुएशन होंगी दो केसेस होंगे आपके सामने आप लिख लें एक तो लिखे ना वेन डेटा इज आड एन नंबर तादाद में आर्ड है और दूसरा वेन डेटा इज इवन एन नंबर वैन डेटा इज इवन एन नंबर नंबर से यहां मुराद तदाद है यह आवाज़ें लिख लें नंबर से यहां मुराद तदाद है नंबर से यहां मुराद तदाद है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह देता हूं टू फोर सिक्स एट टेन जान बूझ के मैंने वैल्यूज इवन लिखी हैं तादाद आड होना जरूरी ये कह रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच पांच, पांच आठ है ना ये बात मैं कह रहा हूं आठ होने से ये मुराद तो मिड वैल्यू उठाओ ना दो इधर रखो दो इधर रखो मिड में क्या है मीडियन इज सिक्स मीडियन इज सिक्स ये बात कह रहा इसी तरह अगर डेटा इवन हो तो फिर इसका ये मतलब है फॉर एग्जांपल टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये इवन है ना अब सिक्स इवन है, ती, है ना तीन ये तीन तो मेड वैल्यू उठानी है तीन एक तरफ तीन एक तरफ तो मेड में बचता ही कुछ नहीं ये तो नहीं हो सकता तीन एक तरफ दो एक तरफ ये भी मेड नहीं है फिर क्या करें दो एक तरफ रखें दो एक तरफ रखें मेड में ये दो बच गए मीडियन दो नहीं होते मीडियन तो एक होते हैं ना तो दो से एक बनाने तो मीडियन दो से एक बनाने इसकी एवरेज ले लो ना तो से एवरेज हमने पहले पढ़ लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम करो सिक्स प्लस एक बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू तो फोर्टीन डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू सेवन सेवन इज योर मीडियन इन दिस केस सेवन ये सेवन लिखा हुए हैं इसको ना पढ़ लेना ये मैंने साथ लिख लिए ये वाइट बोर्ड का पेज लगे हुए हैं सेवन है सेवन ये ये तो इसका स्क्री भी सेवन ठीक है देख लिया जल्दी से चलें जी अब ये आपसे पूछ ले एवरेज पूछे मीडियन पूछे रेंज पूछे ये मैंने साथ साथ सक, स्क्रीनिंग में से मिसालें भी दिए हैं जिधर जिधर आए हैं इसी तरह मीडियन पूछे मार्ड पूछे तो ये बातें आपको आती हूँ ये बातें आपको आती हूँ ठीक है इसी तरह प्रॉबेबिलिटी उसमें से भी आए हुए हैं सवाल जी तो वो भी बता देता हूँ स्टेटिस्टिकल चीज़ है ना वो भी तो प्रॉबेबिलिटी लिख लें probability be little. Next is probability. अच्छा जी तो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी इसको बी एम में पूछे तो आपको पता हो प्रोबेबिलिटी सादा जुबान में इसका मतलब चांस है चांस किसी इवेंट के अकर करने का चांस उसको प्रॉबिबिलिटी कह रहे। तो आप इसको यू कह लेना इट इज दाइकलीहुड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज कॉल्ड प्रॉबिबिलिटी लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट उसको हम प्रॉबिबिलिटी कह रहे हैं अब इसमें से आपको एक तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज की लिमिट्स आपको पता होंगी ये जीरो और वन के दरमियान आंसर आएंगे जितने भी सवाल करोगे ना आप देखोगे जीरो और वन के दरमियान आइसोलेशन होती है प्रॉबलिटी के आंसर्स की और जीरो और वन का खास मतलब भी है वन का मतलब होता है टोटल सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट टोटल सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट हंड्रेड परसेंट शोर और जीरो मीन इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट तो प्रॉबिबिलिटी वन होने का मतलब है हंड्रेड परसेंट श्योर हो जब है हंड्रेड परसेंट श्योर हो मसलन मैं बोलूं जी नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान आएंगे तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू वन ठीक है अच्छा आप और मिसाल ले लें ए पॉलिटिकल जरा आप लिख लेना मैं बोल लू सूरज कल मशरक से निकलेगा हंड्रेड परसेंट श्योर है सूरज कल मशरक से निकलेगा हंड्रेड परसेंट श्योर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू वन ये मतलब है प्रोबेबिलिटी का वन होने का ये मतलब है ठीक है और जीरो जीरो इम्पॉसिबल इवेंट है जीरो जीरो मींस जीरो मींस। फर्रा शरीफ आप इम्पॉसिबल इवेंट कह रही हूँ और नाम के साथ आपके भी शरीफ लगे। अच्छा अच्छा मैं बोलूं कि सूरज कल मगरब से निकलेगा इम्पॉसिबल है ना सूरज कल मगरब से निकलेगा इंपॉसिबल इवेंट है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू जीरो ठीक हो गया इसमें से मैं आपको स्क्रीनिंग में आए हुई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जी सी एस एस स्क्रीनिंग इसमें से ही उसने पूछा था ये एम सी क्यू था जी वैल्यूज ऑफ प्रॉबेबिलिटी प्रॉबेबिलिटी वेरी फ्राम ऑप्शन दिए थे एक ऑप्शन था माइनस इंफिनिटीज टू प्लस इनफिनिटी, दूसरा ऑप्शन था जीरो से इन्फिनिटी तीसरा ऑप्शन था जीरो से वन और चौथा ऑप्शन था नान ये सी एस एस की स्क्रीनिंग में से दे रहा हूं आपको एम सी तो ऑप्शन क्या बनेगा जी जीरो से वन ये जो बात हम ऊपर कर रहे थे अभी ये कि जीरो और वन के दरमियान आ करती है जीरो और वन के दरमियान आ करती है बात समझ रहे हैं अच्छा जी अब इसके ऊपर हम एम सी क्यूज लेते हैं जी इसके ऊपर एम सी क्यूज लेते हैं प्रॉबिबिलिटी जो है ना कुछ तो कामन कामन चीजें इसके बारे में ना बिल्कुल सरा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना सर आप तो जानते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं अचानक से लाइट चली गई है सर जस्ट गिव अस वन मिनट वन और टू जैसे ही रीजॉइनिंग हो जाएगी सिस्टम ऑन होते हैं तो इनशाला जो है सर वो कंटिन्यू कर देंगे डोंट वरी अबाउट इट और वैसे भी जब सर नहीं होते मैं होती हूँ ना आप लोगों के पास तो फिर परेशानी वाली क्या बात है लेट मी चेक दिस ताके आप लोगों के साथ बातें करती रहूं वरना आप लोगों ने सो सोचाना यकीन जाना नहीं फरा परेशान नहीं होना जी हसन मैंने डिनर कर लिया है I'm just getting... The messages now. मैं यहीं पर हूँ आप यहीं पर हूँ आप लोगों के पास ही हूँ नहीं इस सुहे प्रोग्राम अभी जारी है अभी सुराएंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा ये हाँ शाम मैंने डिनर कर लिया है लाइट नहीं गई सिर्फ अकेले अकेले चाय पी रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ चाय नहीं पी रहे हैं सर चाय की ब्रेक देंगे ना बीच में कल नहीं मिली थी आप लोगों को ब्रेक इंग्लिश की क्लासेस भी होंगी सबसे पूछ लू क्या पूछू मैं सित्रा जजाकलापुर बस हम एक गांव में रहते हैं हम वहाँ जल्दी सो जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी उठना होता है और उसके बाद सी की तैयारी करनी होती है वैसे यकीन जानो ये सिर्फ बहाने हैं। आप लोगों की हमें सोना होता है इस टाइम हम जाग नहीं सकते सुबह पांच बजे भी स्टूडेंट्स जाग रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं असुल मैं आप लोगों के लिए जाग रही हूँ ताकि आप लोग ना सो अगर मैं सो गई तो आप सब लोग भी सो जाओगे अच्छा क्या एडवाइस दी है मैं, मैं असल में इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं ना तो मिस हो जाती है फिर आज सुबह की क्लास रख लिया करो सुबह में क्लास रखूंगी तो दफ्तर किस वक्त जाओगे आप लोग फिर कहोगे दफ्तर रह गया हमारा जी असमंत डिनर कर लिया मैंने अमन जी पूछ रहे थे असवंत तो उन्हें बता दिया मैंने तो so, मैं आपको बना रही हूँ होस्ट आप कहीं मुझे को होस्ट दोबारा बना दीजिएगा आईटी डिपार्टमेंट अच्छा ऑटोमेटिकली जी जी सर आप बोलिए आपको इजाजत है पूरी बोलने की देख लिया गुनहरा वो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मॉर्निंग में रख लो मैं देखो कितना एहसास करती हूँ आपका आपके दफ्तर का टाइम बिल्कुल भी नहीं मैं हिलने देती बाद में ज्यादा सर्दियां आ गई हैं नहीं नहीं सर्दियां किधर आई हैं अभी तो बस शुरू है ये अभी तो सर्दियां आएंगी फिर ज्यादा ठंड होएगी तो ज्यादा सर्दी आएगी फिर कम ठंड होएगी तो कम सर्दी आएगी नहीं ये सब जो है ना ये दिलबर की शरारत है मेरे ख्याल में जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो दिलबर को अच्छे से जानते होंगे ये सब उसकी शरारत है सर कहाँ चले गए मैम सर उनके लाइट चली गई है वो सिस्टम को जो है वो रिफ्रेश कर रहे हैं ये लोग लाइट वगैरह का तो विद इन अ मिनट इनशाला ज्वाइन कर लेंगे ओके। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल को ही आप फॉलो करो और आप उसी को जब आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे ही हमारी ये लाइव रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी बोरो अब्दुल्ला बताओ कैसे है तो आपकी दूर की जाए मैं नोआ की वीडियो प्ले कर देती हूँ यहाँ पे तहसीलदार वाले बैच म्यूजिक भी है भी चलेगी अनिशा ऐसा ये टू थर्टी के बाद से सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स टू थर्टी से पहले भी साथ हो जाते हैं मैसेजेस कर करके हसन सीएसएस से रिलेटेड सवाल करो ना सी एस एस से रिलेटेड बातें पूछो मुझसे अकेडमी से रिलेटेड बातें पूछो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें बाते करो दिनिश को चेक करो ना जरा सॉन्ग सुनने का शौक पड़ा हुआ है दीनिश बच्चे तैयारी करो तैयारी एमपीटी बहुत करीब है लो जी फिर दिलबर को नहीं जानते इन्होंने लगता पिछले एम पी टी की वीडियोज नहीं देखी हैं जी इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैंने अभी बताया हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ना वहीं पर जो लाइव का आइकन है ना उस लाइव पे क्लिक करें वहाँ पे हमारी पिछली वीडियोस भी मौजूद हैं और अभी की भी मौजूद होगी लेकिन ये खत्म होने के बाद जब ये एंड होएगी ना तो उसके बाद वहाँ पर आ जाएगी शामिन मुझे तो नहीं पता सर मुजफ्फराबाद लेकिन कश्मीर के किसी इलाके से जरूर ताल्लुक है उनका इकरा नहीं मौजूद है इकरा आप मुझे टेक्स्ट करना है ना या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो ना वो आपको पिछली रिकॉर्डिंग का लिंक प्रोवाइड कर देंगे टाइम एमपीटी चलो अच्छा आपकी नॉलेज uh, में अफाका हो रहा होगा भर रही होगी वो अच्छा मैंने आप लोगों की क्लास ले ली ना तो फिर अरफा आप लोग बोलोगे ओहोहो मैडम ने क्लास ही ले ली हमारी तो कभी कभी घर वाले भी कहते हैं ये कौन सी पढ़ाई है जो इस वक्त होती हैं अब वो भी लैपटॉप और मोबाइल सामने रख कर ये वो वाली पढ़ाइयाँ होती हैं हम जब छोटे हुआ करते थे मतलब बहुत ही पुरानी जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो उस टाइम ये बातें हुआ करती थी पढ़ाइयाँ हो रही हैं फोन सामने रख कर सब पता चलता है और अब देख लो सामने रख कर ही पढ़ाइयाँ हो रही है जदीद की मेहरबानी से

अफ़ाक सलाम दे रहे हैं अफाक को मेरी तरफ से बस रजा मैं यहीं घूमा फिरा करती हूँ कभी रहमानाबाद कभी वेस्टेज कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर क्लासेस का स्केड्यूल बता दू बेस्ट एजुकेशन इफ़ यू आर नॉट स्टूडेंट तो हमारे दो क्लासेस के टाइम तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट इट्स जीरो दोबारा बता देती है जीरो फाइव वन ट्रिपल वन डबल सिक्स टू टू डबल सेवन आपने इस पे कॉल करनी है ये आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि हम किस स्केड्यूल के हिसाब से आप लोगों को सी की तैयारी करते हैं हसन आपने वीडियो नहीं देखी तहसीलदार वाली कैसी बातें करें मैं आपको अभी दिखा देती हूँ उसमें म्यूजिक भी है तो देखिए हमारा सेमिनार स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑन ट्वेंटी अक्टूबर फ्राइडे को जिसने एडमिशन नहीं भी लेना वो भी टेंट हो जाएगा पता चल जाता है कहां से तैयारी करनी है यह हमारी जूम आईडी है इसको नोट कर लेनी तो बार बार यूट्यूब के ऊपर तो ये वीडियोस होंगी तो उसको देख लेना आई साइड निकाल लेना और तो ये हमारे एड्रेसेस हैं जिनको नहीं मालूम है जिनको पता नहीं है कि हमारी एकेडमी कहाँ पर है तो वो जनाब ये एड्रेस का स्क्रीनशॉट शॉट ले सकते हैं अदरवाइज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं फोर मंथ में तैयारी कंप्लीट हो जाती है आराम से हो जाती है बस तैयारी करने वाले होने चाहिए

थोड़ा सा मुझे टाइम दो लेट मी कॉन्टेक्ट द टीचर काफी देर हो गई है सबको अब आ जाना चाहिए था तो. चलो सर को हमने बुलाया तो है लेट्स सी क्या होता है लो जी सिद्रा सर कौन से थे यहाँ पे सारी लैला मजनू की कहानी सुना दी और आके सिद्रा पूछ रही है लैला लड़का था कि लड़की लैला सर सर जो है सर अज़र अफजल मीर है जी साइंस पढ़ा रहे थे मैथ्स का पोर्शन पढ़ा रहे थे जनरल साइंस इन एबिलिटी का हमें इजाजत नहीं होना यहाँ पे अभी हम अरिजीत सिंह सुन रहे होते हैं सर कहाँ है सर को दिलबर ने किडनैप कर लिया मुझे तो लगता है सर आ रहे हैं सर कह रहे हैं मैं आ रहा हूं एजे की कितनी की कि, किस चीज में सीट्स पूछ रहे हो ये तो बताओ मुझे वसीम, बच्चे उल्फत किस में नहीं नहीं मैं सीट्स का नहीं बता रही थी मैं तहसीलदार का बता रही थी तहसीलदार जो बैच है ना दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपीएससी जिनके पंजाब के डोमिसाइल है उनका शायद ये अनाउंस हुआ है आप वेबसाइट पे सर्च करें आपको इसकी फर्दर डिटेल मिल जाएगी ए जे के आई डोंट थिंक सो किसके अंडर आता है जस्ट गिव मी अ मिनट जी आई एम बैक हो इतने सारे मैसेजेस आ गए सिदरा ये वही वाला गाना आ रहा हूँ मैं रास्ते में हूँ आप मेन कैंपस होते नहीं मैं मेन कैंपस नहीं होती मैं तो ऑनलाइन डील करती हूँ बट पहले मेन कैंपस हुआ करती थी तो मैं हर कैंपस में थोड़े थोड़े दिन कभी कभी विजिट कर लेती हूँ भूत इर्द गिर्द घूम रहे हूँ मेरा इस टाइम भूत भी सो रहे होंगे थैंक्स इसलिए अगर आप बातें ना करें तो हम सीरियसली सो जाएंगे बस मैं ये मैं बातें बेसिकली इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग एंगेज रहें मेरे से बातें करते रहे आई नो सारा बट देर इज अ टेक्निकल ग्लेंट और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ मैथ्स होपफुली इसके बाद जो टीचर होंगे वो डिफरेंट होंगे सब्जेक्ट डिफरेंट होगा नहीं नहीं मैं घूम नहीं गई थी मैं कॉल सर से कॉल पर बात कर रही थी फरा जी बिल्कुल फरा ये ना कहना की आपके इर्द भी भूत आ गए हैं तहसीलदार के ऑनलाइन की फी क्या है बच्चे तहसीलदार का बैथ स्टार्ट जो सेमिनार होगा दैट विल फर्दर सारी डिटेल्स उसमें दी जाएंगी जी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी फेसबुक और यूट्यूब दोनों पेजेस के ऊपर मिलेगी स्क्रीनिंग के लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे नोआ के चैनल पे मौजूद हैं लारे फिफ्टी नाइन इस्लामाबाद फिफ्टी नाइन बैच के बच्चे मुझे मैसेज करो ना आपके पास मेरा नंबर है मैं आपको लिंक भेज दूंगी वहां पे सारे पड़े हुए हैं इना प्रैक्टिस के नोट्स जो है ना दे आर जर्नल नोट्स ऑफ़ सर अफजल मीर आप नोआ की जो बुक शॉप है ना उनको कांटेक्ट करिएगा वो आपको नोट्स दे देंगे सलाम टू एवरीवन फ्रॉम फरा इतने टॉपिक्स रह गए हैं सर सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाएंगे ना सर वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो कि एमपीटी के लिए इंपॉर्टेंट है बातें बहुत हो गई फकत गाने ओके देर आर नो प्रॉपर एम तो क्यूज नहीं इनाम ऐसे कोई नोट्स नहीं हैं जो प्रॉपर एम के बनाए गए हो लेकिन अभी आप लोगों के मेरे ख्याल में एम की वो होंगे टेस्ट होंगे जो एम पी टी टेस्ट सीरीज होगी जब वो आपकी ली जाएगी ना सीरीज में इस टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उसमें हो जाएगा इनशाला आपके पास एम आ जाएंगे काफी सारे हमजा ने बता दिया चौदह सीट्स हैं एजे के की आ, उल्फत थैंक्स टू हमजा फोर्टीन सीट्स हैं एजे की नो no कि वो कहाँ सीट्स का पूछ रही थी लेकिन हमजा ने बता दिया है असफन वैसे नींद नहीं आनी है आपको कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे तो सोना तो आपने है भी नहीं और इतनी जल्दी कौन सोता है अभी यही कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे एमपीटी वाले भी कवर नहीं हुए uh, सारा कवर कराएंगे सर बीच में थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो गई है सर अभी आएंगे आपको जो टॉपिक्स चाहिए वो सारे कवर कराएंगे सुबह मैंने सर को दोबारा कांटेक्ट किया वो जो बीच में मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ ना मैं वो सर के साथ ही कोऑर्डिनेट कर रही होती हूँ एस एस मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो आप मुझसे कोई जनरल साइंस की चीजें पूछे मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा देती हूँ यहाँ पे मैम सोना पढ़ा है रूटीन ऐसी थर्ड लेक्चर आई के मुझे कंफर्म करो जीएस से मैथ्स का कौन से नंबर का लेक्चर चल रहा है ये एमपीटी टेस्ट सीरीज लाहौर में भी होगी हर जगह होगी बिकॉज ये ऑनलाइन भी होगी और ऑन कैंपस भी होगी तो जो कैंपस वाले स्टूडेंट है दे कैन ऑल्सो गिव दैट ऑनलाइन एंड ऑनलाइन वाले कैंपस भी दे सकते हैं सिंपल सिंगल टेस्ट होंगे थोड़े से एमसीक्यूज होंगे सो so दैट आप लोग प्रैक्टिस कर सको मैथ्स पढ़ा दूं वैसे मैथ्स इस बार देखा है किसी ने स्पेशल जीएसए का पेपर मैथ्स उसके अंदर बहुत इजी आई थी होपफुली 2024 में भी इसी तरह की आ जाए बहुत ही इजी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल करके दिए हुए थे ज uh, वंडरिंग कि मेरा बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड रिगार्डिंग स्टडीज पूछिना यूनिवर्स के बारे में बताऊं यूनिवर्स के बारे में मैं क्या बताऊं बोले तो मैं सिर्फ सात की स्लाइड शेयर करके एक चीज बताती हूँ वैसे भी पांच लेक्चर्स में वो सिर्फ यूनिवर्स पढ़ाते हैं एबिलिटी के थर्ड टोटल फोर क्लास हुई हैं ठीक है एक साइंस की हुई है और थ्री मैथ्स की हुई हैं फरहत uh, सर ने मुझे कहा है, सिर्फ टू मोर मिनट्स लगेंगे मैं उनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हूँ सारे पेपर्स इजी थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनके लिए तो बहुत इजी पेपर्स थे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसी फेरोज ने कहा मैम इतने भी इजी नहीं थे सो कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं थे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की गई थी मैं यही कहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस किया करो उससे क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर आप लोगों को ग्रिप आ जाती है और इट्स नॉट तो नेरी पाँच छः हम एम सी आ गए या एक लिस्ट आ गई आप टॉपिक वाइज तैयारी किया करो लैक सपोज अगर आपने परसेंटेज की तैयारी की है तो एक पर्टिकुलर रख लो कि ट different, different uh, इसके परसेंटेज के करोगे एक ही वे में परसेंटेज निकाली हुई है और उसी से रिलेटेड क्योंकि हमारे पास डिफरेंट और भी मैथड्स होते हैं नाटेज निकालने के लेट सपोज अगर एक वैल्यू गिवन है या न्यूमिरेटर गिवन है डिनोमिनेटर निरी एवरेज की वैल्यू गिवन है और मीन निकालना है इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो सेम मेथड वाले ना अटैम्प्ट करो और मेरा नंबर नहीं है आपके पास हेल्पलाइन से ले लो बच्चे हेल्पलाइन वाले तो वैसे मेरा नंबर दे देते हैं हेल्पलाइन का नंबर बता देती हूँ no जो इनसे पहले लेक्चर हुए बिल्कुल उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी अरूबा सोना नहीं प्लीज नहीं सोना मैं इसीलिए बातें कर रही हूँ कि नींद ना आए आप लोगों को कमर्शियल एरोप्लेन किस रीजन में फ्लाई करता है देखो इतने सारे स्टोरी अभी तो बताएंगे आप लोगों तो को एग्जाम्स एनजाइटी अटैक हो रहे फेरोज को तो फेरोज कह रहे हैं हमें गाने चला दें। में करते See, में करते still, yes, right, में करता करता है। है अनाब ने कह दिया। हालांकि मेरे से आपको एक वाटर कूलर गिफ्ट में मिलेगा कल सर अफजल मीर की क्लास नहीं है आज लास्ट क्लास थी उनकी लेट मी चेक कल किसकी क्लास है मैं मैंने गेस सीएसएस एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में कौन सा सब्जेक्ट हिट हो सकता है भाई ये तो फिर एफपीएससी वालों की मर्जी है कि वो कौन सा हिट करेंगे ना बाप भी बातें करो मुझसे सेवनटीन और नाइनटीन नवंबर सना ये किस चीज़ की डेट्स हैं कल की क्लास नहीं स्केड्यूल हुई है, अब कल की क्लास आएगी तो पता चलेगा किसकी क्लास है मैं इस्लामाबाद से हूँ आरिफ आ, आ. रात दस से तीन बजे तक लेक्चर करवा दूं किधर दस से तीन बजे करा दूं दस बजे आप लोगों की एमपीटी की क्लास रखवाती हूँ तो इतना सारे स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं मैम जागा नहीं जाते हैं हमसे सुबह ऑफिस जाना होता है कल आयर की क्लास है फोर टू नाइन मजे आएंगे आप लोगों के आई आर या आई आर पढ़ना जी ना मैं फलस्तीन इशू को फॉलो कर रही हूँ अभी मैं वही देख रही थी कि जो आ, Uh, हमारे यूएस प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट हमारे तनखस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किस तरीके से गेम चेंजिंग स्टेटमेंट दी है विद दैट अदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी किस तरह स्टैंड uh, लिया बट व्हाट आई थिंक इज अच्छा खासी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं अच्छी खासी लाइफ जो है वो uh, जाया हो गई हैं एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग स्टैंड नो डाउट इट्स वेरी गुड यू आर टेकिंग स्टैंड बट इट्स लेट ना अब लोगों को पहले ही स्टैंड ले लेना चाहिए था सीरियसली मैं इतना सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रही थी कोशिश कर रही थी बेसिकली डिस्कस करने की बस आउट ऑफ़ कोर्स कुछ भी नहीं आता है आमिना ने इतना डिटेल में आंसर दिया है बहुत रीजन में होता है स्मॉल कमर्शियल प्लेन्स ट्रोपोस्फेयर में होते हैं एंड लार्ज प्लेन्स एंड मिलिट्री प्लेन्स प्लेनोसफेयर में होते हैं की जीशान मैं कुछ पढ़ाती नहीं हूँ मैं बस बातें करती हूँ ताकि आप लोग सोए नहीं पढ़ाई के दौरान सी एस एस आगे नहीं हो सकता है आपकी जो डेट्स हैं वही होगी हमारा ही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान वेरी लेट मैम कल कंटिन्यू कर लें मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सर से पूछ लेती हूँ इफ नहीं पॉसिबल इट्स गेटिंग लेट तो हम कल कंटिन्यू कर लें टू स्टेट सोल्यूशन इज नीडेड वट इज लेफ्ट फॉर फलस्तीन Okay, Jihad. Okay, just give me a minute.

जो है आपसे मिलने के लिए आपके शहर आ जाएंगे कोई ऐसा मसला ही नहीं है ओके okay, स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी कि आगे क्लास कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं हो पाएगी हम यही वाली क्लास इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे जी बिल्कुल <laughs> जाल छुट्टी हो गई है एक्चुअली सर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो ही जस्ट वॉन्ट टू एंड अप द क्लास इंशाल्लाह हम यहीं से जहाँ से सर ने रोका है वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे काफी देर से हम यही कोशिश कर रहे थे कि सर से जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाए वो आगे क्लास को लेकर आपको मैंने पहले बताया था कि वो सुबह से क्लासेस ले रहे थे नाउ ही इज नॉट फीलिंग वेल कल इसी टाइम पे किस बजे हम मुलाकात करेंगे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो लिस्ट डाउन कर लें वो मैं आप लोगों के साथ कल सर जो है वो करवा देंगे विद डेट एक चीज और अनाउंस करनी है वो ये करनी है कि आप लोगों की छोटा सा क्विजन है वो सर्कुलेट करवा रही हूँ इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद के जो ऑफिशियल ग्रुप्स है वहाँ रिसीव हो जाएंगे रावलपिंडी वालों को ऑनलाइन बैचेस रावलपिंडी के ग्रुप्स में अनाउंस हो जाएंगे और जो ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके क्लास ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देती हूँ तो आप लोगों को एक छोटा सा मैथ्स का कोइज है वो आप लोग अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोगों का डे वेस्ट हो गया तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उससे है उससे रिलेटेड एक क्वेज अटेम्प्ट कर लो सो दैट यू हैव एन आइडिया अभी आपके स्टेज के ऊपर मौजूद हो Um, it department are you here so, Jahid?